अगर मैं चुप हूँ तो इसका मतलब ये तो नहीं है कि मैं कमजोर हूँ। याद रखना, चुप रहना इंसान का बड़प्पन होता है, वरना मुझे सहना आता है तो ये मैं नहीं कहता। तुम सोचो मुझे क्या क्या आता होगा। ना स्कूल पे अच्छे रिजल्ट था, ना कॉलेज पे, लेकिन वक्त लगेगा, उन टॉपर बालों को भी खरीद लूंगा पैसों से। जाने अनजाने में मुझे कोई रास्ता दिखाता है तो वो है मेरे अकेलेपन। खुश हूँ अकेले ही, क्योंकि अकेले आए थे और अकेले ही जाना पड़ेगा। कोई मुझे शायद इग्नोर कर रहा है, उसे पता नहीं उसकी ऑनलाइन के इंतजार और मैसेज का इंतजार करते करते मोबाइल के बैटरी भी डाउन पड़ जाता है। मेरे मैसेज सीन भी नहीं करता, नोटिफिकेशन से ही रिप्ले करता है। ठीक है, अगर मैं इग्नोर के काबिल हूँ तो बेशक करो। मैं सुना था इंसान किसी से इस दुनिया में एक बार मोहब्बत करता है, इसीलिए मैं एक इंसान से इस दुनिया में एक बार ही मोहब्बत किया और शमशान तक करूंगा। चाहे वो मुझे प्यार करे या ना करे, अगर ना करे तो इस दर्द को लेकर मर जाना है मुझे बस। क्योंकि प्यार किया तो डरना क्या, प्यार किया कोई चोरी नहीं की, चुप चुप के आंखें भरना क्या, मौत किया जो दुनिया ना देखे, और घुट घुट के मरना क्या, जब प्यार किया तो डरना क्या। डियर लव, समवेयर ऑन द पैरेलल यूनिवर्स यू एंड आई आर हैप्पी टुगेदर। अगर तुम्हें पाना पाप है तो मुझे नरक भी मंजूर है। एक दीदी ने मुझे कहा था, तुम्हारी बीबी बहुत किस्मत वाली होगी, जो तुम्हें मिलेगा तुम रानी बना के रखोगी। और एक भाभी भी कहा था, तुम बहुत खुश रखोगी तुम्हारी बीबी को। एक बहन ने कहा था, भाभी बहुत सुंदर है जैसे मन से तुम, लेकिन प्रॉब्लम यह है जिसको मैंने बीवी माना या मानता हूं वो तो बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर है हर नजरिया से, लेकिन भगवान ने अभी तक तथास्तु नहीं बोला। शरीफ जरूर है लेकिन डरते किसी के पाप से भी नहीं। वारा वाँ वाँ वारा वाँ वाँ। जो बाकी था नींद मोहब्बत के लिए, जो बाकी था नींद मोहब्बत के लिए, वो बाजा थोड़ी है। देखो मैं हंस तो रहा हूँ पर खुशी थोड़ी है।